बेगम जी, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं नारान में, और नारान में हम स्टे कर रहे हैं होटल नारान में, और इस व्लॉग का नाम है 24 आवर्स इन नारान। पहुंचते साथ हम लोगों ने एक दिन पहले का स्टे किया, जो कि एक पूरा टूर गाइड वाले व्लॉग के अंदर आपको नजर आएगा, पर आज जो 24 आवर्स इन नारान वाला व्लॉग है, इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं अपना सारा सामान रख के नारान में होटल में सीधा जाने लगे हैं बाबू सर। गाड़ी में हम बैठ गए हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल भरवा के हमने निकल जाना है बाबू सर टॉप के लिए। रास्ते में हमने बटाकुंडी में रुकना है, जिसका यहाँ से 1.5 घंटे का सफर है। वहाँ जाके हम नाश्ता करेंगे और खुदा का वास्ते हरकतें ना कर जी। वेलकम टू कराकरम्स। तो फाइनली हम कराकरम हाईवे पे अब चढ़ने लगे हैं, यहाँ से आगे हम जाने लगे हैं बटाकुंडी, उधर से आगे बाबू सर। एक फिश पॉइंट नजर आ गया, बहुत खूबसूरत पानी था, तो हमने सोचा इधर उतर जाते। बॉयज मजा आ रहा है, छोटे भाई बहुत मजा आ रहा है। छोटे भाई किधर है? छोटे भाई खुद पर बड़ा मजा आ रहा है यार। ये नारान से बटाकुंडी की तरफ के रास्ते में पानी हमें एक नजर आया था, फिश फार्म था इसके साथ, हमने सोचा इधर भी उतर के चेक। पानी के दरमियान खड़े तो हैं ये जैन भाई हैं, और काफी ठंडा पानी है। यहाँ से अब हम चलेंगे अपने रास्ते पे आगे। तो बहुत आसान होती है, चढ़ाई तो बहुत मुश्किल होती है, पर करेंगे। दूध जी कोई आवाज लगा रुतरुल वाली। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तनगीला, ये भी ना हो मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, एक किला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, 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 फिर से उड़ चला मिट्टी जैसे सपने, ये कितना भी पलकों से। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं अब यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है, नाम तो नहीं पता, खैर यहाँ पे एक मस्जिद कबा, और ये नमाज पढ़ने की जगह है। ये एक चश्मा आ रहा है और वो सामने ग्लेशियर्स है जी। आखिरकार जलखंड पहुंच गए हैं। इधर मून रेस्टोरेंट है, बेसर मून रेस्टोरेंट है इधर, जो कि नारान का भी बहुत फेमस है। अब यहाँ से हम करेंगे नाश्ता और इंशाल्लाह आगे बाबू सर जाएंगे। मुझे सांस का हल्का हल्का मसला हो रहा है, कह रहे हैं आगे भी मसला होगा, पर अल्लाह खैर करेगा जी, जाएंगे ज़रूर। अब बेसर में हम लोगों ने खाना तो खा लिया, अब यहाँ से निकलने लगे हैं। मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा मुशकपुरी टॉप गया था, और आधी पहाड़ी की ट्रैकिंग करके मैं वापस आ गया था, क्योंकि मुझे सांस का मसला शुरू हो गया था। मैं ज़िंदगी में आज भी उस लम्हे को कोसता हूँ कि जब मैं वापस आ गया था। मेरे भाई ने भी मुझे बड़ी सारी बातें सुनाई कि यार फैसला करना होता है इंसान ने इसी मौके पर। तो अभी मैं यहाँ पर एक टेंट बुक करवा चुका था, और मेरा प्लान था मैं इधर ही रुकूँगा और इन सबको भेज दूँगा, पर यही वो मौका होता है जब इंसान ने जिंदगी जीनी होती। तो अल्लाह खैर करे जी, बाबू सर टॉप ही जाएंगे इंशाल्लाह। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू से टॉप पे पहुंच गए हैं,
लगा नहीं था कभी जिंदगी में इधर पहुंच पाऊंगा। सांस का मसला तो हो रहा पर जिंदगी का ये सफर याद जरूर रहेगा कि पहुंच गए थे। अगर वापस चला जाता तो शायद जिंदगी सारी का दुख रहता, पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गाड़ी में बैठा हूँ, सब लोग आगे गए हैं, सांस का काफी मसला हो रहा है। 100 लोग आ जाए, खैर अल्हम्दुलिल्लाह बाबू सर तक पहुँच गए। ये हम लोग वहाँ से उतर के आए हैं बाबू सर टॉप से नीचे, अब पहुँच गए हैं लुल्लू सर लेक। हल्की हल्की सी बर्फ़ गिर रही थी, बारिश हो रही थी, अभी रुक गया, थोड़ा थोड़ा सा साफ है, थोड़ा ख़राब है। ये लुल्लू सर लेक, वहाँ पे बाबू सर है जी, आप देख सकते हैं वो ऊपर पहाड़ पे से सारे भेड़ बकर उतार के लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब 10-15 दिन के बाद ना इनका यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा रहना, क्योंकि पूरी पहाड़ जो आप जितने पहाड़ देख सकते हैं इधर आपकी नज़र में जितने भी हैं ये सारे के सारे बर्फ़ में ढक जाएंगे। तो ये अब यहाँ वो अब ट्रैवल कर रहे हैं वापस मानसिरा वाली साइड। और खैर सोचा तो था घर जाके वीडियो बनाएंगे, सर्दी अभी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, पर प्लान बन गया कि हमने अब राफ्टिंग भी करनी है। एक काफ़ी मुश्किल काम अभी किया बाबू सर जाने वाला, अब एक मैंने कहा एक दिन में एक डर थोड़ी ना ख़त्म करना, राफ्टिंग वाला डर भी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह आज। हम लोगों ने पहन ली है लाइफ जैकेट्स, राफ्ट को उठा के नीचे लेके आए। ये हमें इस वक्त सरबराही करें भाई, आपका नाम क्या है? साद खान स्वाती भाई हमें लेके जा रहे हैं, कैप्टन ऑफ द शिप जैक स्पैरो। राफ्ट में बैठ गए हैं सारे, रोहन भाई को फ्रंट सीट मिली है, हमेशा से मांगते आ रहे थे, और यहाँ से आके अब रोहन भाई वीडियो बनाएंगे क्योंकि हम चलाएंगे चप्पू। वैसे मेरी मेहनत नहीं लग रही, मजा इस बात का। जल्दी करो, जल्दी टांगे ऊपर करो। बड़ा कितने का पानी स्टॉप हो गया। साद भाई हाथ ला दें जरा इधर देख के। ये डीके साथ बैठे, ये रोहन भाई हमारे कैमरा मैन है जो इस वक्त दोबारा चलने लगे, अभी स्टॉप हुए हैं, फिर चलेंगे। बैक पानी में राफ्टिंग कर। वो अच्छा ये पकाऊंगा यार, दो चाय। मत स्टॉप स्टॉप फॉरवर्ड ऊपर आ गया। बाबू सर से भी हुआ है और राफ्टिंग भी कर ली, और अब मेरा ख्याल है अब हमें होटल चले जाना चाहिए, कुछ खाना शाना खाएंगे फिर सो जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे पूरे तो सोने को। फाइनली बाबू सर भी कर लिया आज और राफ्टिंग भी कर ली, नारायण काफी हद तक फिर भी लिया, अब नारायण बाजार फिरेंगे रात को और फिर सोएंगे, और फिर हमारे 24 आवर्स का तब एंड होगा। आगे थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, कपड़े शपड़े बदले हैं क्योंकि कपड़े राफ्टिंग की वजह से गीले हो गए थे। कैसे जैन भाई? अच्छा, तो हम लोगों ने फ्रेश होके थोड़ा बाहर जा रहे हैं, नारायण का बाजार फिरेंट हो रहेंगे और उसके बाद खाना खा के वापस आएंगे रूम में और सो जाएंगे, बहुत थक चुके हैं। आज की जी तस्वीरें ट्रांसफर करनी थी, और रूहान भाई की साइंस के मुताबिक मोडेम के अगर आप बिल्कुल ऊपर रखें फोन तो आपकी तस्वीरें जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगी। लाइव हम आ गए होटल से बाहर और अब हम लोग जा रहे हैं पंजाब टिक्का हाउस इधर है कोई, उधर का बिरयानी हमने कल खाई थी, बड़े मजे की लगी थी, अब इंशाल्लाह बिरयानी दोबारा खाएंगे और फिर हम लोग सुबह नाश्ता करेंगे। यार मेरा प्लान था कुछ नया ट्राई करने का, पर वदूद और मुस्तफा कह रहे हैं कि जी हमने बिरयानी ही खानी है, वहां जाके देखते हैं शायद प्लान चेंज हो जाए। ये भी ठीक है, पंजाब होटल हम लोग पहुंच गए हैं, अब हम ढूंढेंगे रोहान डीके को और वदूद को। काफी रश है होटल में इस टाइम, कल इतना रश नहीं था, आज काफी रश है, देखने हमें मिलते हैं कि नहीं। वो बैठे हुए हैं, वो चल गई। वाओ यार साइंस, वहाँ पे रुहान मॉडेम के ऊपर वो लगा रहा है फोन अपना कि जल्दी ट्रांसफर होगा, आप चल के आगे सही निंजा टेक्निक से खेल रहे हैं। आगे पहुँच के बैठ भी गए हैं, पर आखिरकार फिर अंदर का जो लाहौरी है वो निकल ही आता है। खाने में कुछ और मंगवाना था पर मंगवाया आखिरकार बिरयानी।
जैन भाई ने काफी ऑप्शंस दिए, और भी मतलब बारबेक्यू कर लो, कढ़ाई कर लो, दुम्बा कढ़ाई कर लो, बड़े ऑप्शंस थे, पर बिरयानी, तो बिरयानी मंगाई है। खाना शाना मैं ज़्यादातर दिखाता नहीं हूँ व्लॉग्स में, तो बिरयानी खा के अब आपसे मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया, अब हम लोग चाय पीने लगे हैं, और चाय पी के फिर हम लोग जाएंगे थोड़ा सा बाजार फिरने के लिए, और बाजार फिर के जाएंगे वापस होटल रूम। आ गए हैं नारान के बाजार में, वदूद भाई मेरे साथ, आगे मेरे रूहान, मेरी साइड पे जैन भाई और दूसरी साइड पे डीक पे हमारे यहाँ नारान का पूरा बाजार। ये नारान के पूरे बाजार में हमारे सामने आ गया कोई एरम होटल, और इसके आगे पूरा बाजार है, चलते जाएंगे दिखाते हैं। बता दूं वो ये है कि जब आप सैफल मलूक जाते हैं तो उसके आगे आपने शायद कभी कहानी सुनी हो कि एक पर्वत है जिसको मलका पर्वत कहते हैं, जहाँ पे कहते हैं परियां आती हैं और उन परियों की सरदारनी है मलका, और वो मलका पर्वत को वदूद भाई चाहते हैं कि अगले साल वो सर करें और मलका से जाके शादी कर लें, ताकि इनके नाम पे लिखी जाए सारी वो सैफल मलूक, तो उसके लिए शॉपिंग हो रही है। मलका पर्वत का पूछ रहे हैं, ये मलका पर्वत के लिए कैसी रहेगी? मलका पर्वत कौन है? आप किसके लिए पसंद करें? अच्छा अच्छा, अभी तक मलका पर्वत की शॉपिंग चल रही है, उसके लिए वरी का सामान लिया जा रहा है। अच्छा अच्छा, वरी लेके जानी है जो उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। रोहन भाई आप क्या कर रहे हैं? मंगलसूत्र। अच्छा अच्छा, मलका हिंदू है, क्रिश्चियन है या फिर मुसलमान है? यहूदी, यहूदी है वो, यहूदी है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। क्या ये रोहन भाई ने क्या नहीं, अच्छा नाराज क्यों रहे, हुआ क्या, हुआ आपने रोहन भाई क्या कहा सर? मैंने मलका को कुछ गलत कह दिया था गलती से। यार क्या वदूद भाई, अच्छा अच्छा क्या कह रहे थे आप? इल्लुमिनाटी पे स्टफ टॉयज भी है, और ये बड़े मजे का एरिया सारे खाली कर, क्या लेने आए वदूद जी आप इधर? मलका के कुत्ते बोलो। सुन रहे हैं कि मलका के लिए ये, मलका के लिए वो, आपको दिखाएं मलका कौन है? ये देखें मलका। अचानक जमीर जगह, और रोहन भी कहते हैं आओ आप सबको आइसक्रीम खिलाओ। खा के हम फारिग हो गए हैं, बड़ा मजा आया आइसक्रीम का ठंड में। अब फाइनल डिसीजन ये हुआ है कि हम लोग जाएंगे होटल में, और वहाँ उसके बाहर थोड़ी सी एक जगह है, वहाँ बैठ के हम लोग करेंगे बॉनफायर, अगर हमें मिल गया, ना भी मिला तो हमारे साथ रोहान भाई हैं, हमारे खान साहब पर्सनल नुसरत फतेह अली खान साहब, तो ये हमें कवाली सुनाएंगे और उसकी वीडियो तो आपको लाजमी मिलेगी। हम लोग फाइनली पहुँच गए अपने होटल रूम में, यहाँ पे लाइट कम है, ब्लू लाइट इन्होंने ऑन की हुई है, तो यहाँ पे हम लॉन में बैठे हैं थोड़ी देर, अब रोहान भाई को दो चार शेर सुनाते हैं तो वो सुन के हम लोग सो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग 24 आवर्स इन नारान। अगर ये वीडियो ज़्यादा व्यूज़ लेती है तो मैं अगली वीडियो भी अपलोड करूँगा, विच इज़ टूर गाइड टू नारान, एंड देन थैंक्स अगेन, अल्लाह हाफिज़, रब राखा। क्या मेरी बात का यकीन नहीं, कोई भी आप सा हसीन नहीं।